हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ना आज जा रही हूँ फिर से आउटडोर करने, ठीक है। और अभी ना 12 बज रहे हैं, तो अभी काफ़ी लेट हो गया है। तो मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगी, अब आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतने टाइम से मैं गई नहीं हूँ, लास्ट मैं वाटर कलर ही करने गई थी, ठीक है। तो अभी चलते हैं, और मैं लोकेशन देख के आई थी। एक दिन मैं वहाँ से जा रही थी ना, तब मैंने वो लोकेशन देखी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा वहीं पे वाटर कलर करूँगी जा कर के। तो चलो चलते हैं। तो मैं अपना सामान वगैरह पैक करके फटाफट तुरंत ही निकल गई थी उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती ना तो फिर लाइट वगैरह शेडो वगैरह तो उतना अच्छा मिलता नहीं इसलिए। और फिर मेरे घर के पास ही लोकेशन थी, तो मैं जल्दी से पहुंच भी गई थी और मैंने देखा भी हुआ था ना, इस वजह से फिर जल्दी से मैंने यहाँ पे स्केच वगैरह स्टार्ट कर दिया था ड्रॉ करना। और ज़्यादा कुछ स्केच था नहीं, बट ह्यूमन भी ऐड करे थे मैंने। और यहाँ पे सेटअप वगैरह लगाया मैंने जल्दी से, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना इस दिन। और आपको पता है, जब मैंने स्केच वगैरह किया ना, उसके पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक डायरी ली थी, उसमें रैंडमली हल्का फुल्का स्केच मार के देखा कि मुझे एग्जैक्टली बनाना क्या है, ठीक है। तो मैंने बस जल्दी से इसमें फ़र्स्ट लेयर डाली, ट्रीज़ वगैरह में डाली, और इसका जो कलर नीचे फ्लो हो रहा है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट लगता है। मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये करने में, जब इसका कलर ऐसे फ्लो होता है। वाटर कलर की ब्यूटी यही होती है कि हम उसे कंट्रोल ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब सेकेंड लेयर स्टार्ट कर दी थी, और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना आज के दिन, इसमें मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि मेरे से डील नहीं हो रहा था वाटर कलर, क्योंकि मैं अपनी शीट देखूँ या कलर ड्राई हो रहा है वो देखूँ, या मैं अपने कलर्स देखूँ, ब्रशेस देखूँ, इतना ज़्यादा मैस हो रहा था उस दिन। बट फिर भी मैंने कर ही लिया था। बट मेरा बहुत मन था कि मैं इस पेंटिंग में ना एक मूड क्रिएट करूँ दोपहर का, बट मैं सब कुछ डील करते करते ना यही चीज़ भूल गई करने में, कि मुझे एक मूड क्रिएट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी पेंटिंग वैसी लगे कि हमने बनाई कब है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ब्राउनिश थोड़ा रखा है, ब्राउन था भी वहाँ पे, टीन वगैरह होती है ना वो लगी हुई थी, तो वहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश इफ़ेक्ट था, तो मैंने ब्राउन कलर डाला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क वैल्यूज़ वगैरह डाली थी और कुछ नहीं। और पता है आपको, यहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाली थी, अभी आपको मैं बताऊँगी। पता है, उसकी वजह से मुझे अपनी जगह तक चेंज करनी पड़ी थी, मैं तुरंत हट गई थी वहाँ से। फिर मैंने यहाँ पे ये छप्पर वगैरह टाइप का होता है ना, वो सब दिया, और ट्रीज़ में डार्क वैल्यूज़ वगैरह और ज़्यादा ऐड करी। बट इस ट्री को देखो ना, ये बहुत ही अलग तरह का ट्री, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, है ना। अब जिस ट्रेजेडी की मैंने बात करी थी ना, वो इसी टाइम यहाँ पे हुई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट मैंने चेंज करी थी जगह। पता है क्या हुआ था, मैं जहाँ पे खड़ी थी, आपको वहाँ पे खंबा दिखेगा, वो इलेक्ट्रिक वाला था, और वहाँ पे पता है ब्लास्ट हो गया था, बट ये कहो कि वो ऊपर ऊपर हुआ था, तो ज़्यादा नीचे कुछ हुआ नहीं। मैं एग्जैक्टली उसके नीचे खड़ी थी, तो मैं जल्दी से लेकर के गई। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से एक ह्यूमंस ऐड करे थे ना, तो उनमें कलर दिया मैंने, और मेन फोकस उसको बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस डार्क वैल्यूज़ और ऐड करी। मैंने घर पे आकर के ना थोड़ा सा फोकल को ना और हाईलाइट किया है, थोड़ा वाइट वगैरह भी दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो और अट्रैक्टिव लगे। बाकी कंपैरिजन करो अगर पेंटिंग को, उसके कंपैरिजन में वो पार्ट अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे फाइनली पेंटिंग ख़त्म हो गई थी, और वो वाली डिटेलिंग ना मैंने थोड़ा घर पे आकर के दी, क्योंकि इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था मुझे इसलिए, ठीक है। तो इतना ही मैंने किया। तो फाइनली आज के लिए तो बस इतना ही, और मैंने ना वीडियो पूरा शूट कर लिया, पूरी पेंटिंग वहीं पे कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।